लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे, और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड्रा करें, वापस लें अपनी काल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। बातचीत करने से ही होता है, और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। दोबारा से बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए, क्या सर केंद्र सरकार? हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे, और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड्रा करें, वापस लें अपनी काल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। बातचीत करने से ही होता है, और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। दोबारा से बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए, क्या सर केंद्र सरकार? हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे, और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड्रा करें, वापस लें अपनी काल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। बातचीत करने से ही होता है, और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। दोबारा से बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए, क्या सर केंद्र सरकार? हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना।